आरती को रोते देख मिली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, रो मत, कुछ करते हैं, तेरी खीर ठीक करते हैं। ये सुन आरती ने मिली का हाथ पकड़ा और बोली, दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ठीक करूं, आप करो ना कुछ। जलने के बाद जितनी भी खीर कढ़ाई में बची थी उसे मिली ने दूसरी कढ़ाई में निकाला और उसमें कुछ करने लगी। तभी किशोर वापस आया और बोला, आप आ रही हैं ना मिठाई लेकर, सब इंतजार कर रहे हैं। ये सुन आरती घबरा गई, उसने मिली की तरफ देखा और बोली, ये ठीक हो जाएगा ना जल्दी। मिली बोली, कोशिश तो कर रही हूँ। आरती ने मिली की थाली देखी, उसमें बर्फी जमी हुई थी। ये देखकर आरती के मन में आइडिया आया, वो मिली से बोली, दीदी तब तक मैं आपकी बर्फी पर वर्क लगाकर उसे काट देती हूँ, आप मेरी हेल्प कर रही हैं, मैं भी तो आपकी हेल्प करूँ। ये सुनकर मिली मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिला दिया। आरती ने बर्फी पर चांदी का वर्क चढ़ाया और उसके टुकड़े निकाल कर प्लेट में सजाने लगी। उसकी बर्फी बहुत बढ़िया लग रही थी। आरती की इच्छा हो रही थी कि वो यही लेकर बाहर चली जाए, लेकिन ये दीदी की डिश थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि फिर दीदी को भी ध्यान रखना चाहिए था ना जब मैं नहीं थी किचन में, थोड़ी बहुत गलती तो दीदी की भी है। आरती ये सब सोच रही थी, इतने में उसे मिक्सी की आवाज आई। उसने देखा मिली मिक्सी चला रही है। वो मिली से बोली, दीदी ये क्या कर रही हो, मेरी खीर ठीक करो ना। मिली ने जवाब दिया, वही कर रही हूँ। ये कहते हुए मिली आम काटने लगी। ये देख आरती को अजीब लगा, ये दीदी क्या कर रही है, खीर के लिए आम क्यों काट रही है। आरती ये सोच ही रही थी कि मिली ने फ्रिज से कस्टर्ड पाउडर निकाला। तभी ये देख आरती को और गुस्सा आया। उसने आखिर मिली से पूछ लिया, दीदी ये क्या कर रही हो, कोई नई डिश बना रही हो क्या, इसी से ही कुछ बना लो ना, नई डिश बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ये सुन मिली बोली, मैं इसी डिश को ठीक कर रही हूँ, ये खीर जल गई थी ना तो इसे दूसरे बर्तन में निकाला ताकि उसकी स्मेल चली जाए, पर इसकी स्मेल जा ही नहीं रही, इसे ठीक करने के लिए इसमें 3-4 चीजें डालनी पड़ेंगी। ये सुन आरती डर गई और उसने सोचा, 3-4 चीजें और पड़ने से ऐसा ना हो कि जलने की स्मेल क्या ये डिश ही खत्म हो जाए। नहीं, वो ऐसी ही कोई भी डिश बाहर नहीं लेके जा सकती, पहली रसोई है ससुराल में और वो अपना पहला इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहती। उसकी नजरें फिर मिली की बर्फी पर पड़ी और उसने सोचा, मिली दीदी की तो फर्स्ट क्लास बर्फी बन गई है, मेरी खीर तो जल गई, काश मैं ये बर्फी लेकर जा सकती, दीदी तो मास्टर शेफ खेल रही है मेरी खीर के साथ, ना जाने एंड में क्या रिजल्ट आएगा मेरी खीर का। क्या सोचा था क्या हो गया, सोचा था खीर बहुत आसान है, मैं अच्छी भी बनाती हूँ, सब सेट है, पर यहाँ तो सब अपसेट हो गया। वहाँ बाहर ड्राइंग रूम में सब इकट्ठे बैठे थे और बहुओं की पहली मिठाई का वेट कर रहे थे। उमा जी बोली, ये दोनों क्या मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट कर रही हैं? इट इज जस्ट अ डिश, एक रस्म है, शगुन के लिए बस करछी ही चलानी है, इतना सीरियस नहीं होना है। किशोर, किशोर, किशोर आया और बोला, जी मैम साहब। उमा जी उससे बोली, किशोर अभी किचन में जाओ और उनसे कहो कि अगर वो मास्टर शेफ भी खेल रही हैं तो टाइम इज ओवर नाउ, फॉर गॉड सेक्स जो भी बना है जैसे भी बना है लेकर आ जाए। आदित्य ने उमा जी से बोला, अरे मॉम सब्र का फल मीठा होता है। इस पर उमा जी ने जवाब दिया, बेटा वो ऑलरेडी मीठा ही बना रही हैं, अगर मैंने और सब्र किया तो उनकी डिश और मीठी हो जाएगी, खराब हो जाएगी उनकी डिश, उसे ही बचाने के लिए मैं भेज रही हूँ किशोर को। किशोर, किशोर जाओ अभी, आदित्य बोला। अच्छा मैं खुद देखकर आता हूँ क्या हो रहा है, उमा जी ने उससे गुस्से में कहा। क्यों, तुम क्यों जाओगे, आदित्य बोला। हेल्प, अगर कुछ चाहिए हो तो जल्दी भी बन जाएगी डिश, उमा जी बोली। हेल्प करने के लिए ही किशोर को भेज रही हूँ मैं, तुम बैठो। ये सुन आदित्य मान गया। उमा जी ने मन में सोचा, आदित्य तो बिल्कुल ही लट्टू बन रहा है मिली का। बुआ जी ने उमा से कहा, देख लो भाभी पहला दिन पहली रसोई में जो देर हो गई तो बहू हमेशा ही देर करेगी। इस पर उमा जी हंसते हुए बोली, देर तक तो फिर भी ठीक है, कुछ खाने को तो लेकर आए।
उधर किचन में आरती परेशान हो रही थी और मिली उसकी खीर को ठीक कर रही थी। आरती की तो खीर का कुछ अता पता ही नहीं था। उसने आगे आकर चम्मच से अपनी खीर टेस्ट की और बोली, ये तो खाई ही नहीं जा रही है, अब भी ठीक नहीं हुआ ये तो दीदी। मिली बोली, रुक मैं कर रही हूँ ना। इतने में किशोर वापस किचन में आया और बोला, आप मिठाई लेकर बाहर आइए, मेम साहब बुला रही हैं आपको। आरती उसे देख गुस्से में बोली, आते हैं, इतनी क्या जल्दी है, कौन सी ट्रेन छूट रही है, वेट करने को बोलो। ये सुन किशोर वहां से चला गया। मिली आरती को देख बोली, आरती इतना गुस्सा क्यों किया तूने। आरती ने मिली को भी गुस्से में देखा और बोली, यहाँ मेरी खीर जल गई है, टाइम निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं चिढ़ू भी ना इस बात पर, इंसान हूँ मैं, ऐसी सिचुएशन में नहीं पता मुझे क्या करना है, बस गुस्सा आ गया तो आ गया। एक तो ससुराल में पहली बार रसोई बना रही हूँ और वो भी खराब हो गई, ऊपर से तुम डांट रही हो कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। ये सुन मिली आरती से बोली, शांत हो जा बहन, शांत हो जा, सॉरी अभी सब ठीक हो जाएगा। आरती बोली, दीदी बुरा मत मानना, तू जिस तरह से काम कर रही है मुझे लगता नहीं है ये ठीक होगा, छोड़ दे, मैं बाहर जाकर यही कह दूंगी मैं नहीं बना पाई कुछ ढंग से, मैं लापरवाह हूँ, मैं एक बहुत बुरी बहू हूँ, नहीं बुरी बड़ी बहू, फिर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और क्या पता फिर मुझ पर कोई भरोसा कर ही न पाए। ये सुन मिली परेशान होकर बोली, क्या कह रही है तू, ऐसा नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। इस पर आरती ने कहा, दीदी तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम छोटी बहू हो, छोटी होने से तुम्हारी तो 100 गलतियां माफ, पर मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैंने कोई गड़बड़ की तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। ये सुन मिली को भी लगा आरती सही कह रही है, वो चाहे उसके लिए छोटी बहन हो पर इस घर की तो बड़ी बहू है, वो चाहे उसकी सारी गलतियां माफ कर दे क्योंकि वो उसकी छोटी बहन है, पर मॉम तो ऐसा नहीं सोचेंगी, उनके लिए और यहाँ सबके लिए आरती बड़ी बहू है, ओहदे के हिसाब से तो घर की सारी जिम्मेदारियां मॉम के बाद उसकी ही हैं। अगर इस तरह से लापरवाही करेगी तो इसके बाद उस पर भरोसा करना मॉम के लिए मुश्किल हो जाएगा, पर असल में तो वो छोटी ही है, उम्र से भी और स्वभाव से भी, अचानक इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी ये, पर ऐसा यह कौन सोचेगा, ये बन गई है बड़ी बहू, अब इसे ये ओहदा संभालना पड़ेगा। मिली ये सब सोच रही थी कि आरती उससे बोली, दीदी याद है बचपन में माँ बड़ी दुकान से हमारे लिए गुड़िया लाई थी, मैंने पहले दिन ही उसे तोड़ दिया था, माँ ने जब टूटी गुड़िया देखी तो तूने वो गुड़िया अपनी बताकर मुझे माँ की डांट से बचा लिया था, और अपनी गुड़िया भी तूने मुझे दे दी थी खेलने के लिए। ये सुन मिली को भी बचपन की याद आई और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ याद है, माँ ने मुझे ज्यादा डांटा नहीं था, वो समझ गई थी कि मैं झूठ कह रही हूँ। आरती हंसते हुए बोली, हाँ हम दोनों माँ की डांट से बच गई, माँ इमोशनल हो गई कि एक को बचाने के लिए दूसरी झूठ बोल रही है, एक्चुअली दीदी तू सब संभाल लेती है, इस बार भी संभाल लेना। आरती ने ये कहा तो मिली ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। आरती बोली, दीदी काश आज भी बचपन की तरह मैं आपके पीछे छुप सकती, अब भी मैं तुम्हारी गुड़िया मतलब डिश ले लेती, पर अब ये कैसे होगा, तुम्हें भी ससुराल में पहला इम्प्रेशन अच्छा करना होगा, तुम क्यों हेल्प करोगी। ये सुन मिली बोली, कर तो रही हूँ, रुक जा थोड़ी देर, कस्टर्ड डाला है उसे थोड़ा गाढ़ा होने दे, इससे और आम से स्मेल दब जाएगी। आरती ने मिली की बर्फी की प्लेट देखी और बोली, दीदी हेल्प करनी है सही में तो अपनी बर्फी की प्लेट मुझे दे दो ना। मिली कस्टर्ड हिलाते हुए रुक गई और उसे देखने लगी। आरती फिर हड़बड़ी में बोली, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, क्यों ही तुम दोगी मुझे, तुमने मेहनत से बनाई है और ये भी तुम्हारी डिश है, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, मैं भी अब छोटी बहन थोड़ी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम देवरानी। आरती को पता था इस तरह की बात मिली को जरूर चुभेगी और चुभी भी। मिली बोली, फिर वही बात, आरती तू मेरी छोटी बहन है
और हमेशा रहेगी, समझी? उसने आरती को सिर पर चपत लगाते हुए बोला, ले जाइए बर्फी। ये सुन आरती खुश हो गई। वो बोली, सच्ची ले जाऊं? मिली मुस्कुराकर बोली, हाँ ले जा। आरती ने फिर मुंह बनाने की एक्टिंग की और बोली, तुम दीदी तुम क्या करोगी? मिली बोली, मैं अपना देख लूंगी, तू जा। वैसे भी तू बड़ी बहू है, तू गलती नहीं कर सकती। तू ये बर्फी के प्लेट बाहर लेकर जा और तेरी बड़ी बहन सब संभाल लेगी, ठीक है? आरती ने मिली को गले लगाया और कहा, नहीं दीदी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत बुरी हूं ना, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। आरती के मन में तो बर्फी की शहनाई बज रही थी, पर दीदी को दिखाने के लिए उसे लगा हल्का सा नाटक करना जरूरी है। मिली ने आरती के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अच्छा हुआ जो मुंह से निकल गया, आइडिया अच्छा है। ये कहकर मिली ने अपनी बर्फी वाली प्लेट ली और मुस्कुराकर आरती से बोली, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ले जा इसको। आरती ने फिर से पूछा, आर यू श्योर दीदी? मिली ने हाँ में सर हिलाते हुए उसके हाथ में प्लेट पकड़ाई और आरती ने फिर से मिली को गले लगा लिया और बोली, थैंक यू दीदी। मिली बोली, कितना थैंक यू बोलेगी, अब जा भी, बाहर मॉम सब लोग वेट कर रहे होंगे। ये सुन आरती ने कहा, हाँ दीदी सब लोग तो ठीक है, पर मॉम वो तो मेरी ऐसी बेइज्जती करती है जितनी मैथ्स की टीचर ने भी नहीं की थी स्कूल में। फिर बोल देंगी, बेटा बर्फी के लिए काजू होलसेल मार्केट लेने गई थी या कैश्यू फील्ड से फ्रेश तोड़कर लाई हो जो इतनी देर लग गई? वैसे हमारी सासू माँ है बड़ी टैलेंटेड, टोन बड़ा प्यारा सा रहता है उनके तानों का, कि 2 मिनट तो दिमाग को प्रोसेस करने में लग जाते हैं कि कंबल में लपेट कर ताना दिया है उन्होंने। मिली हंसते हुए बोली, अब जा भी, नहीं तो और तगड़े ताने मिलेंगे। नहीं बाबा मैं चलती हूँ। ये कहते हुए आरती बर्फी की प्लेट लेकर किचन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मिली के चेहरे से हंसी भी गायब हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी आरती तक नहीं पहुंचने दी। उसने खीर को हिलाकर स्पून से उसे स्मेल किया तो पता चला कि उसमें हल्का सा जलने की बू अब भी थी। अब भी स्मेल पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। मिली समझ नहीं पा रही थी कि अब वो और क्या करे कि ये स्मेल इस खीर से बिल्कुल चली जाए। वक्त भी नहीं था उसके पास, क्योंकि पहले से ही देर हो गई थी और अब तो आरती भी बाहर बर्फी की प्लेट लेकर चली गई थी। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। आरती का तो इम्प्रेशन खराब होने से उसने बचा लिया था, पर अब उसका क्या होगा? उसने ये तो सोचा नहीं था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।